हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये व्लॉग नहीं है, एक छोटा सा मतलब एक शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ एक रेसिपी जो मैं भी कभी कभार बनाती हूँ इमरजेंसी में। जैसे कि मैंने आज छोले बनाने का प्लान किया हुआ था एंड उसके साथ मुझे बनाने थे चावल, बट एकदम से मेरा मूड किया कि मैं उसके साथ बनाऊँ भटूरे। तो इंस्टेंटली भटूरे कैसे बनाए जाते हैं वही मैं आपसे शेयर करूँगी। वैसे अगर आपको नॉर्मली भटूरे बनाने होते हैं तो 2 से 3 घंटे पहले उसे फर्मेंट करने के लिए रखना होता है उस आटे को गूंद के, बट अगर आपका इंस्टेंट प्लान बनता है तो आप कैसे बना सकते हैं इंस्टेंटली, तो वही मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सो इंस्टेंट भटूरे बनाने के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है आपका मैदा, उसके साथ है ये ब्रेड, एंड ये जो मेन चीज़ है जिससे बनते हैं इंस्टेंट ये है सोडा। आप किसी भी कंपनी का सोडा ले सकते हैं एंड इसे आप 2-3 महीने के लिए अपने घर पे रख सकते हैं, जब भी आपको इमरजेंसी हो तब आप इसे निकालिए और इंस्टेंटली भटूरे तैयार। एंड ब्रेड का यूज़ कैसे आएगा वो मैं अभी आपको साथ के साथ दिखाती जाऊँगी। सो मैं अब इन ब्रेड्स के कॉर्नर्स को निकाल रही हूँ, इनको चारों ही साइड से इनके सारे कॉर्नर्स निकाल दूँगी क्योंकि मैं ये ब्राउन वाला हिस्सा अपने आटे में मिक्स नहीं करूँगी। एंड मैंने यहाँ पे छोटी वाली 3 ब्रेड ली हैं, आप जितनी भी क्वांटिटी का बना रहे हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं इसे पानी में सोक कर रही हूँ एंड उसके बाद इसे इस तरह से निचोड़ के क्रम्बल करके उस आटे में ऐड कर दूँगी। तो इसी तरह से ये तीनों ब्रेड मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पापा प्लीज़ देख लो, मैं काफ़ी आटा नहीं गूंद रही हूँ, सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड के लिए एंड ज्योति के लिए ही भटूरे बनाने हैं। मैं चिकना इतना नहीं खाती हूँ तो मैंने थोड़ा ही आटा लिया है, इस वजह से मैंने ये छोटी वाली ही 3 ब्रेड्स ली हैं। अगर आप काफ़ी सारा आटा लें तो कम से कम 4 से 5 ब्रेड ज़रूर लीजिएगा, एंड अगर आप थोड़ी ब्रेड ऐड ज़्यादा भी कर देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ क्योंकि मुझे आदत है हर आटे में नमक डालने के लिए। एंड ये है सोडा, अब मैंने इसे ओपन किया तो इसका एकदम प्रेशर बन रहा था तो मैंने अभी इसे होल्ड पे रख दिया है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए नहीं तो एकदम से ये आपके फेस पे आ जाएगा। एंड थोड़ा सा देर बाद आप इसे ओपन कीजिए एंड इंस्टेंटली आपको आटा गूंदना है। ये देखिए मैं अब इसको पानी की जगह इस सोडे को ही यूज़ कर रही हूँ इस तरह से, एंड जैसे ही मैं डालूँगी एकदम झाग हो जाएगा। सोडे से जब आप आटा लगाओगे तब ये आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा चिपकेगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा एंड सूखा आटा लगा लगा के आप अपने हाथों से भी इस आटे को निकाल लीजिएगा। एंड मैंने इसमें 1 से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल भी ऐड किया था जो मैं अभी क्लिप दिखाना भूल गई, तो आप इसमें थोड़ा सा रिफाइंड भी ऐड कर लीजिएगा एंड इस आटे को गूंद के इसी तरह से रख दीजिएगा। तो ये फाइनली सारा आटा डन है एंड मैंने इस पर काफ़ी अच्छे से रिफाइंड लगा के इसे आगे पीछे कोट किया है एंड अब मैं इसको इस तरह से रख दूँगी। मैं इसे कवर करके रखूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये लिया है एक कॉटन का कपड़ा जिसे मैंने भिगो लिया है एंड अब इस कॉटन के कपड़े से मैं इसको कम्प्लीटली कवर कर रही हूँ सो दैट इसका थोड़ा सा खमीर उड़ जाए और उस पर पपड़ी भी ना पड़े। ये भटूरे तलने के लिए रिफाइंड हो चुका है गरम, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखा था वो तुरंत ऊपर आ गया, तो अब मैं इसमें डालूँगी भटूरा। एंड ये है मेरा सबसे पहला भटूरा है एंड आई केप्ट माय फिंगर्स क्रॉस कि ये फूल जाए एंड ये इमीडिएटली फूल गया, बहुत ही अच्छा एंड सुंदर भटूरा आया था ये देखिए। तो ये सबसे पहला भटूरा जाएगा मेरे हस्बैंड के लिए क्योंकि वो वेट कर रहे हैं डिनर का। ये देखिए कितना परफेक्ट भटूरा बना है कलर से एंड शेप से। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। ये बहुत ही इजी वे है भटूरा बनाने की, तो कभी भी कोई इमरजेंसी हो आप इसी तरह से बनाइए एंड मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।